लेकर आते हैं और भगवान महावीर जी का प्रसाद चढ़ाते हैं और सभी मनोकामनाओं पूरा होता है। ये हमारे 1310 ईस्वी जो संवत है उस समय से ये प्रथा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको हम बता दें कि आज हम शहर ससराम में महावीर मंदिर आए हुए हैं और आज की वीडियो में आपको मैं महावीर मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ। काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना मंदिर शहर ससराम के बीच है, तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को देखते रहें। चलिए, महावीर मंदिर आने के लिए आपको गौरक्षिणी कुराइज ससराम में आना पड़ेगा। सड़क के पास में ही मंदिर स्थित है, ठीक सामने यहाँ पर महावीर मंदिर ठीक सामने है और ये उसके सामने ये गेट है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रसाद की दुकान है यहाँ से और ये रासिनी और हम यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और ये देखिए यहाँ पे प्रसाद है और यहाँ पर ये चुनरी फूल नारियल प्रसाद देख सकते हैं आप। और ये देखिए हम यहाँ पर प्रांगण में आ चुके हैं और ये आपको जो सामने दिख रहा है वही महावीर मंदिर है और अब यहाँ से चलिए। पहले इस मंदिर के पुजारी जी से तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी YouTube चैनल वालों को साधुवाद देता हूं। मैं दिनेश चंद्र शास्त्री यहां का सहायक पुजारी हूं और इस समय आप लोग पधारे हैं, लेकिन कल जो मंगलवार आ रहा है आद्रा नक्षत्र में यहां असंख्य लोगों का भीड़ एकत्रित होगा दर्शनार्थियों का, उस समय भी बहुत अपने मन्नतों को लेकर आते हैं और जो नए नए शादी होता है वे लोग भी अपने मन्नतों को और यहाँ का प्रसिद्ध भोग जो होता है वो रोट होता है, जैसे भोजपुरी में हम लोग ठेकुआ भी बोलते हैं, उसको बनाकर और जो शादी का जोड़ा जो है अपने
लेकर आते हैं और भगवान महावीर जी का प्रसाद चढ़ाते हैं और सभी मनोकामनाओं पूरा होता है। ये हमारे 1310 ईस्वी जो संवत है उस समय से ये प्रथा चली आ रही है और रोहतास जिला के समझिए कि कम से कम पूरी क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, ऐसी परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की जो पुजारी जी हैं बता रहे हैं कि 1310 संवत से इस ये मंदिर है, मंदिर स्थापित हुआ है और बहुत प्राचीन मंदिर, और यहाँ पर भगवान महावीर का दर्शन करने प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। और आप इस मंदिर के कुछ विशेष जानकारियाँ दे सकते हैं? विशेष जानकारियाँ यही हैं कि उस समय नोखा के जो राजा थे उनको ही भगवान महावीर जी और एक लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति प्राप्त हुआ था और वो लेकर आ रहे थे। बैलगाड़ी उस समय थी, उस समय तो गाड़ी नहीं थी, तो पूर्वज बताते हैं कि यहाँ विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय फिर सुबह जब यहाँ से चलने के लिए तैयार हुए तो जो बैलगाड़ी का चक्का था यहाँ से हिला नहीं। फिर वो हाथी अपने पहलवानों को बुलाए, बहुत कोशिश किए लेकिन यहाँ से मूर्ति नहीं गया, दिन भर परेशान रहे। फिर रात को विश्राम किए तब महावीर जी ने स्वप्न दिया कि हे राजन आप मेरे को यहीं स्थापित कर दीजिए और मैं यहाँ से ही आपके नोखागढ़ का जो राज है उसका कार्यभार और आप पे कृपा बनाए रखूँगा। फिर राजन ने यहाँ जमीन लेकर और भगवान का मूर्ति स्थापित किए और उसी कार्यकाल से ये चली आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की जानकारियाँ दी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर कैमरामैन से बोलेंगे फोकस कीजिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। थोड़ा इधर देखिए, और यहाँ पर हम सासाराम शहर में आए तो जब हनुमान मंदिर के पास तो यहाँ पर एक श्रद्धालु प्रसाद वितरण कर रहे थे, तो आपका क्या नाम है? जी विकास कुमार तिवारी। और आप यहीं का रहने वाले हैं? जी नहीं, हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं लेकिन हम लोग भूखे को भोजन कराते हैं श्रद्धालुओं के बीच। आप प्रसाद वितरण? जी दान ही धर्म है। बहुत ही अच्छा विचार लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके राय जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे साथ जो दिख रहे हैं वो श्रीकांत सिंह भैया हैं हमारे साथ। हाँ, तो आप लोग अभिषेक रोहतास के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें जा, आप लोग देखें जा कैसा लगे, बहुत अच्छा लगे। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम।